खरगोन जिले के गौगांव पुलिस को अवैध हथियार खरीदने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के मामले में बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 8 सौदागरों को गिरफ्तार कर 2,32,000 रुपए की कीमत के 7 अवैध देसी पिस्टल के साथ पूरे महाराष्ट्र की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने 65 नग जिंदा कारतूस और एक बाइक को जब्त किया है। देखिए ये रिपोर्ट। ये जो लोग अरेस्ट हुए हैं ये इंटर स्टेट इलीगल आर्म्स रैकेट के सदस्य हैं। 8 आरोपी अरेस्ट हुए हैं, इनमें से कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। एक महिला इसमें वेस्ट बंगाल की रहने वाली है, कुछ लोग ग्वालियर के रहने वाले हैं, इसमें एक व्यक्ति राजस्थान का रहने वाला है। इन व्यक्तियों से न केवल अवैध पिस्टल बरामद हुई है, और सबसे सरप्राइजिंग ये है कि इसमें जो एम्युनेशन मिला है, एम्युनेशन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना हुआ है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एम्युनेशन इनको आर्म्स के स्मगलर को किस प्रकार मिला, ये एक बड़ा चैलेंज है। हम लोग सभी एंगल से जांच कर रहे हैं कि ये लोग यहाँ पे कितनी बार आए हैं, कितने इलीगल आर्म्स इन्होंने खरीदे, इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, पैसे का ट्रांजिट कैसे करते हैं, और जो कार्टिज बरामद हुए 65, ये इनको किस चैनल के माध्यम से प्राप्त हुए, और इन्होंने कब कब किन किन लोगों को एम्युनेशन सप्लाई किया है। क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एम्युनेशन स्मगलर्स के पास मिलना एक बड़ा लूप होल है, तो अभी रिमांड लिया है और इसमें मुझे लगता है कि बड़ा ऑपरेशन हम लोग चला रहे हैं। इसमें कई सारे लोगों की संलिप्तता भी सामने आएगी, और ये जो लिंक है एम्युनेशन का, इस लिंक को भी वर्कआउट करने हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सर, ये महिलाएं जो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की थी, किस प्रकार सर यहाँ से हथियार लेके वहाँ देती थी? देखिए, इसमें एक जो महिला है वो ग्वालियर की रहने वाली है, उसका पति भी इसमें आरोपी है। दूसरी महिला वेस्ट बंगाल की बताई जा रही है, दिल्ली से ग्वालियर आई थी और ग्वालियर से खरगोन आए थे। ये महिलाओं का उपयोग सामान्यतः इस प्रकार के स्मगलर हथियारों के ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं, क्योंकि महिला होने के नाते सामान्यतः बसों में चेकिंग वगैरह नहीं होती है, चेकिंग से बच जाते हैं। तो जो महिलाएं अरेस्ट हुई इनका ट्रांसपोर्टेशन में और स्मगलिंग में यूज़ होता है। तो माफियाओं तक सर क्या पहुँचा था उत्तर प्रदेश की जो माफिया? अभी जो लोग पकड़े गए इसमें से एक बड़ा क्रिमिनल है जिसपे काफ़ी पुराने ऑफेंसेज हैं, और जो लोग पकड़े गए उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं। ये राजस्थान जेल में बंद रहे हैं, राजस्थान के अलावा झांसी जेल में बंद रहे हैं, ग्वालियर जेल में बंद रहे हैं। तो इनके क्रिमिनल कनेक्शंस की हम लोग जांच कर रहे हैं कि किन किन क्रिमिनल के साथ कनेक्ट हैं, और इन्होंने पिछले टाइम में कहां कहां मूवमेंट किया है, और इनके द्वारा जो हथियार खरीदे गए हैं उनकी डिलीवरी और सप्लाई किन किन को हुई है। एक बड़ी चैन है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें हमने ग्वालियर पुलिस अधीक्षक महोदय को भी अवगत कराया है, और भी संबंधित जिलों में जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी उन जिलों के पुलिस अधिकारियों से कोऑर्डिनेट करके इन पे सभी पे कार्रवाई कराएंगे। सर, ये कारतूस कहाँ से लेकर कौन सी फैक्ट्री से अभी प्रारंभिक जांच में क्या आ रहा? अभी जो कार्टिज के बॉक्स पे जो सील वगैरह लगी है उससे प्रथम दृष्टया यही पता लगा है कि पुणे की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहाँ पर मैन्युफैक्चर हुआ एम्युनेशन है। पुणे हमारी टीम गई है, वो इसको पूरा एग्जामिन करके वेरीफाई करेगी।